ईद कुर्बा के लिए जहां मंडियों में खरीदारी जारी है, वहीं माहौल तब्दील होने से जानवर बीमार हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में कुर्बानी के जानवरों के लिए खसूसी ओपीडी कायम कर दी गई है। तफसीलात लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट में। किसी बकरे को है तेज बुखार तो किसी का पेट खराब। ये मनाजर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में कुर्बानी के जानवरों के, जिनका खसूसी तौर पर कायम ओपीडी में इलाज किया जा रहा है। ये चनों की दाल होती है या कनक वगैरह, ये वो खलाई है तो उससे ना इसकी तबीयत खराब हो गई, इसकी तबीयत खराब हुई है, बस फिर आपने ज्यादा दे दिया। व्यापारी हों या जानवर खरीद कर लाने वाले शहरी, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर को सेहतमंद रखने इलाज गाह पहुँचे हैं। डॉक्टर ने कहा जी आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह इसको बस बुखार है और इसको दो तीन दिन इधर लाएं, इंशाल्लाह इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, ये जायज़ हो जाएगा। वेटरनरी डॉक्टर्स जानवर की बीमारी को चेक करने के साथ इसकी तशखीस से मुतालिक आगाही भी दे रहे हैं। थोड़ी देर रेस्ट दें ताकि वो भी फैमिलियर हो जाए एनवायरनमेंट का, और जो जानवरों की खुराक है सिर्फ वो ही दी जाए उनको, यानी कि उनकी खुराक चारा है। आजकल के मौसम में कोई ऐसी जगह पे रखें जो हवादार हो, जिसमें वेंटिलेशन हो। माहरीन के मुताबिक ईद कुर्बान पर शहरी जानवरों को मौसमी असरात से बचाने के साथ साथ बच्चों का खिलौना ना बनने दें। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा लाहौर।